नमस्कार, वीकेबी न्यूज के खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां आज आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें, और वो भी मेरे साथ। बीएमसी ने मुंबई के उपनगरीय अस्पतालों को मिनी मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना बनाई है। छात्रों के लिए सीटों की संख्या को धीरे धीरे बढ़ाने और शिक्षण संकाय का विस्तार किया जाएगा। उधर मध्य रेलवे के पहले रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स में लोगों की दिलचस्पी को देखते हुए रेलवे प्रशासन इसे और लोकप्रिय बनाने पर विचार कर रहा है। इसके लिए इसे मुंबई दर्शन से जोड़ा जा सकता है। इसी बीच मुंबई में मेट्रो विकास की तेज रफ्तार अब दिखने लगी है। एलिवेटेड मेट्रो के साथ ही मुंबई में जमीन के नीचे भी मेट्रो निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। तो मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि क्रूज रेव पार्टी के मास्टरमाइंड भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे मोहित कंबोज उर्फ मोहित भारतीय हैं। मलिक का दावा है कि आर्यन को जाल में फंसाकर पैसे वसूलने के लिए अगवा किया गया और समीर वानखेड़े को इस पूरे मामले की जानकारी थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज यानी सोमवार को महाराष्ट्र में दो नेशनल हाईवे के विस्तार की आधारशिला रखी। प्रदेश के इन पांच बड़ी और ताजा तरीन खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुंबई के उपनगरीय अस्पतालों को मिनी मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना बीएमसी ने बनाई है। इसके तहत आगामी शैक्षणिक वर्ष से 6 उपनगरीय अस्पतालों में डीएनबी पाठ्यक्रम की शुरुआत होगी। इसके लिए 186 अनुभवी डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। यह डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स को यह पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे। इससे यह फायदा होगा कि उपनगरीय अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम तैयार होगी और प्रमुख अस्पतालों में रेफर होने वाले मरीजों का भार कम होगा। बीएमसी के 16 उपनगरीय अस्पताल है। इन अस्पतालों में से 40% मरीज प्रमुख अस्पतालों में रेफर किए जाते हैं। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए विशेषज्ञों के अभाव के चलते इन मरीजों को बड़े अस्पतालों में भेजा जाता है। कोरोना काल में इसका आभास अधिक हुआ है, इसलिए बीएमसी इन उपनगरीय अस्पतालों को और मजबूत कर रही है। इसकी शुरुआत डीएनबी पाठ्यक्रम के जरिए की जा रही है। बीएमसी की योजना छात्रों के लिए सीटों की संख्या को धीरे धीरे बढ़ाने और शिक्षण संकाय का विस्तार करने की है, ताकि हर साल अधिक विशेषज्ञ तैयार किए जा सके, जो उपनगरीय अस्पतालों में रोगियों और विशेषज्ञ डॉक्टरों के अंतर को पाटने में मदद कर सके। कोई भी एमबीबीएस छात्र अपने 1 साल के मेडिकल बॉन्ड के बाद 3 वर्षीय डीएनबी पाठ्यक्रम के लिए आवेदन कर सकता है। मध्य रेलवे के पहले रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स में लोगों की अच्छी दिलचस्पी देखने को मिल रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर ट्रेन के कोच को सुधार कर बनाए गए इस रेस्टोरेंट को शुरू हुए 15 दिन बीत गए हैं। अब रेलवे प्रशासन भी इसे और लोकप्रिय बनाने पर विचार कर रहा है। इसके लिए इसे मुंबई दर्शन से जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। 24 घंटे चलने वाले इस रेस्टोरेंट को प्राइवेट या पब्लिक टूरिस्ट ऑपरेटरों से भी जोड़ा जाएगा। अभी इस रेल रेस्टोरेंट में रोजाना 100 से 120 लोग विजिट करते हैं। यहाँ का औसतन बिजनेस करीब 30,000 रुपये प्रतिदिन है। यदि रेलवे को लाइसेंस फीस इत्यादि देनी है तो रेस्टोरेंट ऑपरेटर्स को रोजाना करीब 50,000 का बिजनेस चाहिए। एक अधिकारी ने बताया, यदि मुंबई दर्शन से जोड़ा गया तो रोजाना करीब 5 से 7 टूरिस्ट बसें यहाँ विजिट करेंगी। ऐसा करने से रेस्टोरेंट में भी विजिट करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, इससे कमाई में भी इजाफा होगा। इस रेस्टोरेंट को 24 घंटे चलाने की अनुमति है, लेकिन दिवाली सीजन के कारण अभी स्टाफ नहीं मिल रहा है। इसके कारण फिलहाल 24 घंटे ऑपरेट करने में परेशानी हो रही है। बिजनेस बढ़ाने के लिए मोबाइल बेस्ड फूड ऐप पर रेस्टोरेंट को शामिल किया हुआ है। 24 घंटे चलाने के लिए कुछ तकनीकी चुनौतियां भी है। काम का बोझ कम करने के लिए ऑपरेटर द्वारा अब मेनू में भी फेरबदल लिए जा रहे हैं। एलिवेटेड मेट्रो के साथ ही मुंबई में जमीन के नीचे भी मेट्रो निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। जमीन से 20 मीटर नीचे बन रहे 26 मेट्रो स्टेशनों में से 16 मेट्रो स्टेशन 80% से अधिक बनकर तैयार हो चुके हैं। वहीं 7 स्टेशनों का सिविल वर्क 70% से अधिक पूरा हो गया है। मुंबई की पहली भूमिगत मेट्रो का निर्माण कार्य कोलाबा बांद्रा सिप्स के बीच 33.5 किलोमीटर में किया जा रहा है। MMRCL के अनुसार MIDC स्टेशन का सबसे अधिक 85% तक सिविल वर्क पूरा हो चुका है। वहीं मुंबई सेंट्रल, महालक्ष्मी, वर्ली, सहार रोड, डोमेस्टिक एयरपोर्ट स्टेशन पर भी करीब 80% सिविल वर्क हो चुका है। राज्य और केंद्र सरकार के विवाद के चलते भले ही मेट्रो कारशेड निर्माण का कार्य आरंभ नहीं हो पा रहा है, किंतु इस विवाद का असर मेट्रो मार्ग के निर्माण कार्य पर नहीं पड़ा है। टनल बोरिंग मशीन व अन्य उपकरण की मदद से करीब पूरा मार्ग तैयार कर लिया है।
MMRCL के अनुसार आगामी कुछ दिनों में टनलिंग का 100% काम पूरा कर लिया जाएगा। अब तक 97% तक टनलिंग और पूरे प्रोजेक्ट का करीब 70% सिविल वर्क हो चुका है। क्रूज ड्रग्स मामले में राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि इस मामले के मास्टरमाइंड भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे मोहित कंबोज उर्फ मोहित भारतीय है। मलिक का दावा है कि आर्यन को जाल में फंसाकर पैसे वसूलने के लिए अगवा किया गया और समीर वानखेड़े को इस पूरे मामले की जानकारी थी। मलिक के मुताबिक आर्यन ने खुद टिकट नहीं खरीदा बल्कि उन्हें वहां प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला लेकर आए थे। वहां से आर्यन को अगवा कर 25 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। मोहित और वानखेड़े फिरौती मांगने में पार्टनर है। उन्होंने कहा कि आर्यन को जाल में फंसाया गया लेकिन एक सेल्फी ने सारा खेल बिगाड़ दिया। मोहित 1100 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी है। इससे पहले वह कांग्रेस में था लेकिन सरकार बदलने के बाद भाजपा में शामिल हो गया। साथ ही मलिक ने कहा कि सुनील पाटिल फ्रॉड है और वह भी वानखेड़े की प्राइवेट आर्मी का हिस्सा है। मलिक ने आरोप लगाया कि वानखेड़े खुद चाहते हैं कि महानगर में ड्रग्स का धंधा चलता रहे। वे पेडलरों से बॉलीवुड के ड्रग्स लेने वालों की जानकारी लेते हैं और फिर उन्हें धमकाकर हजारों करोड़ की वसूली करते हैं। मलिक ने कहा कि जब तक मामला सुलझता नहीं मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मलिक ने दावा किया कि मामले में शाहरुख खान को भी डराने की कोशिश हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज यानी सोमवार को महाराष्ट्र में 2 नेशनल हाईवे के विस्तार की आधारशिला रखी। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्ग के 5 खंड और श्री संत तुकाराम महाराज पालखी मार्ग के 3 खंड को 4 लेन किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि पंढरपुर की यात्रा को जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करने के मकसद से इसे विस्तार दिया जा रहा है। महाराष्ट्र का पंढरपुर शहर संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर से जुड़ा है। बयान में कहा गया है कि इन राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर पालखी के लिए पैदल मार्ग का निर्माण किया जाएगा जिससे श्रद्धालुओं के लिए सुगम और सुरक्षित मार्ग उपलब्ध होगा। बयान के मुताबिक दिवेघाट से मोहल तक करीब 221 किलोमीटर लंबा संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग और पतास से तोंदले बोंदले तक करीब 130 किलोमीटर लंबे राजमार्ग को 4 लेन का किया जाएगा जिस पर क्रमश 6,690 करोड़ रुपए और 4,400 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पंढरपुर से संपर्क को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर 1180 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से निर्मित 223 किलोमीटर से अधिक की पूर्ण और उन्नत सड़क परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित मोदी ने समर्पित किया। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा इस कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। दिवाली के बाद प्रदूषण की समस्या गंभीर हो गई है। राजधानी नई दिल्ली समेत उत्तर भारत के अनेक स्थानों पर सांस के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। तो आज सोमवार से आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। धार्मिक मान्यता यह है कि संतान की प्राप्ति, कुशलता और उसकी दीर्घायु की कामना के लिए यह व्रत किया जाता है। इसी बीच खबर यह है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए 9 नवंबर को प्रवेश पत्र जारी कर सकता है। बढ़ती ठंड को देखते हुए परीक्षा सामान्य रूप से 10:30 के बजाय इस बार 11:30 बजे से शुरू करने का फैसला लिया गया है। उधर नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के सुकमा स्थित CRPF के लिंगलपल्ली कैंप में एक जवान ने अपने साथियों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। फायरिंग के 4 जवानों की मौत हो गई जबकि 4 जवान घायल भी हुए हैं। बड़ा खुलासा यह भी है कि राफेल सौदे में भारतीय बिचौलिए सुशेन गुप्ता को करीब 65 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। हैरत यह है कि इसकी जानकारी CBI और ED को भी थी मगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। देशों के इन 5 बड़ी और ताजा तरीन खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उत्तर भारत के राज्यों में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में सोमवार 8 नवंबर की सुबह 7 बजे ही वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर रिकॉर्ड किया गया। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ताजा आंकड़ों के मुताबिक आनंद विहार के इलाके में AQI लेवल 420 रिकॉर्ड किया गया जो कि एक दिन पहले दोपहर 2 बजे 450 था। इसी तरह से CRRI मथुरा रोड पर भी AQI लेवल बेहद खराब स्तर पर 388 रहा, एक दिन पहले 431 रिकॉर्ड किया गया था। चांदनी चौक में AQI लेवल 385 था जो बेहद खराब माना जाता है, एक दिन पहले यहां का AQI लेवल भी गंभीर स्तर पर था। IGI एयरपोर्ट बेहद खराब स्तर पर 353 मापा गया जबकि एक दिन पहले ही ये 406 था।
दिल्ली से सटे हरियाणा के अंबाला में भी सुबह 7 बजे AQI का स्तर बेहद खराब 354 रिकॉर्ड किया गया। यहां तक कि बिहार के पटना में अधिकतर जगहों पर यह खराब से बेहद खराब रिकॉर्ड किया गया। हाजीपुरा में भी AQI का स्तर बेहद खराब रहा। दरअसल दिवाली के बाद से प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंचा है। इससे अस्पतालों की OPD में सांस संबंधी समस्याओं के मरीज बढ़ गए हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ महापर्व मनाया जाता है। आज सोमवार से इस महाव्रत की शुरुआत हो रही है। उत्तर भारतीयों के इस प्रमुख पर्व के बारे में धार्मिक मान्यता यह है कि संतान की प्राप्ति, कुशलता और उसकी दीर्घायु की कामना के लिए यह व्रत किया जाता है। चतुर्थी तिथि पर नहाए खाए से इस पर्व की शुरुआत होती है और षष्ठी तिथि को छठ व्रत की पूजा और डूबते हुए सूरज को अर्घ देने के बाद अगले दिन सप्तमी को उगते हुए सूर्य को जल देकर प्रणाम करने के बाद व्रत का समापन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार छठ देवी भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन है। उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए यह पर्व मनाया जाता है। ब्रह्मवेदर्थ पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने के लिए स्वयं को दो भागों में बांट दिया, जिसमें दाहिने भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया। सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृदेवी या देवेश्वरा के रूप में जाना जाता है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इसका एक नाम षष्ठी है, जिसे छठी मैया के नाम से जाना जाता है। शिशु के जन्म के छठे दिन भी इन्हीं की पूजा की जाती है। इसकी उपासना करने से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षठी तिथि को पूजा की जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की परीक्षा 17 नवंबर और 12वीं की परीक्षाएं 16 नवंबर से होंगी। इन परीक्षाओं के लिए CBSE 9 नवंबर को प्रवेश पत्र जारी कर सकता है। बढ़ती ठंड देखते हुए परीक्षा सामान्य रूप से 10:30 के बजाय इस बार 11:30 बजे से शुरू करने का फैसला लिया गया है। परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए छात्रों को 15 मिनट की जगह 20 मिनट का समय दिया जाएगा। CBSE के पहले चरण की परीक्षा नवंबर दिसंबर और दूसरे चरण की परीक्षा मार्च अप्रैल में आयोजित होनी है। परीक्षा परिणाम दोनों के अंकों को मिलाकर निकाला जाएगा। बोर्ड की ओर से जारी दिशा निर्देशों में दिव्यांग छात्रों के लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिव्यांग छात्रों को परीक्षा में अतिरिक्त समय दिया जाएगा। 90 मिनट के प्रश्न पत्र के लिए उनको 30 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। सूत्रों ने बताया कि कोरोना काल में प्रभावित शिक्षा अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। इसके अनुसार CBSE बोर्ड सुधारित निर्देश जारी कर रहा है। ताजा जानकारी यह है कि बोर्ड परीक्षा के पहले चरण के लिए प्रवेश पत्र 9 नवंबर को जारी हो सकता है। साथ ही परीक्षा को लेकर अन्य विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे, ताकि छात्रों को परीक्षा देने के दौरान कोई परेशानी ना हो। स्थानीय स्तर पर स्कूलों में पूरी तैयारी की खबरें हैं। नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के सुकमा स्थित CRPF के लिंगलपल्ली कैंप में एक जवान ने अपने साथियों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। फायरिंग में 4 जवानों की मौत हो गई, जबकि 4 जवान घायल हैं। फायरिंग करने वाले जवान का नाम रितेश रंजन है, उसे हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी जवान रितेश ने विवाद के बाद गोली चलाई। घटना रात करीब 3:25 की है। 5 जवानों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था। इनमें 2 की हालत गंभीर थी, जिनका इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। वहीं 3 घायल हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है। घटना के कारणों का खुलासा तो नहीं हुआ है। CRPF के 50वीं बटालियन का यह कैंप लिंगलपल्ली में है। यह कैंप मरईगुड़ा थाना क्षेत्र में आता है। घटना के बारे में अधिकारियों की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जा रही। कैंप सुकमा जिला मुख्यालय से 120 किलोमीटर दूर है। यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का सीमावर्ती जिला है। बताया जाता है कि यह घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यहां जवान नक्सलियों से लोहा लेने के लिए तैनात थे। घटना के बाद कैंप में जवानों के फोन बंद करा दिए गए। किसी को बाहर बात करने की इजाजत नहीं है। तो दूसरी तरफ भद्राचलम अस्पताल को भी कैंप में तब्दील कर दिया गया है। मीडिया को इससे दूर रखा गया है। बड़ी संख्या में अस्पताल में CRPF के जवान वहां तैनात हैं। राफेल सौदे को लेकर फ्रांस की एक ऑनलाइन पत्रिका ने नया दावा किया है। पत्रिका के अनुसार फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने डील कराने के लिए भारतीय बिचौलिए सुशेन गुप्ता को करीब 65 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी और इसकी जानकारी CBI और ED को भी दी, मगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि दस्तावेजों के होने के बावजूद भारतीय एजेंसियों ने मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया। बता दें कि भारत ने फ्रांस से 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल विमान का सौदा किया था। बता दें कि अप्रैल 2021 की एक रिपोर्ट में
ऑनलाइन पत्रिका ने यह दावा किया था कि उसके पास ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें दिखाया गया है कि द सॉल्ट और उसकी औद्योगिक साझेदार थेल्स ने बिचौलिए गुप्ते को राफेल डील के संबंध में सीक्रेट कमीशन में कई मिलियन यूरो का भुगतान किया था। केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी डसॉल्ट एविएशन से 36 राफेल जेट खरीदने के लिए 23 सितंबर 2016 को 59,000 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले कांग्रेस ने विमान की दरों और कथित भ्रष्टाचार सहित सौदे को लेकर कई सवाल खड़े किए थे, लेकिन सरकार ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। दुनिया भर में जारी तमाम हलचलों के बीच पाकिस्तान में भी इमरान सरकार की भद पीट रही है। पाकिस्तान चुनाव आयोग की रिपोर्ट में इमरान सरकार पर नेशनल असेंबली की सीट नंबर 75 डास्का में चुनाव के दौरान घोर अनियमितता के आरोप लगाए गए। उधर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जल्द ही तीसरे कार्यकाल के लिए नामित होने वाले हैं। शी जिनपिंग जो माचो तुंग और देंग शियाओपिंग के बाद चीन का एक युगांतरकारी नेता घोषित किया जा सकता है। इस बीच अब यूएई के अबुधाबी में गैर मुसलमानों को नए सिविल लॉ के मुताबिक शादी करने, तलाक देने और बच्चों के संयुक्त कस्टडी हासिल करने का अधिकार होगा। यूएई के शासकों की ओर से जारी नए आदेश में इसकी अनुमति दी गई है। तो अमेरिका ने एक अपने 21 महीने लंबे कोविड प्रतिबंध को हटाकर ऐसे विदेशी यात्रियों को अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति अब दे दी है जिन्होंने कोरोना टीकाकरण पूरा करवा लिया है। इसके अलावा फ्लोरिडा के तट पर चल रही तेज हवा के कारण स्पेसएक्स को अंतरिक्ष स्टेशन से अपने क्रू मेंबर के 4 सदस्यों के पृथ्वी पर वापसी के कार्यक्रम को टालना पड़ा है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी और ताजा तरीन खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पाकिस्तान चुनाव आयोग की एक रिपोर्ट ने इमरान सरकार की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नेशनल असेंबली की सीट नंबर 75 डास्का में चुनाव अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन ने अपना काम सही से नहीं किया और ये गैर कानूनी रूप से दूसरे लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गए हैं। रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया है कि चुनाव से संबंधित मटीरियल और वहाँ मौजूद पोलिंग स्टाफ की भी सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखा गया। रिपोर्ट में चुनाव में पुलिस की भूमिका पर भी संदेह प्रकट किया गया। यह भी कहा गया कि पुलिस की इसमें या तो पूरी मिलीभगत थी या फिर वो किसी तरह से प्रभावित थी या फिर उस पर दबाव डालकर गलत काम करवाया गया, लेकिन इससे पूरे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हुई है। पुलिस को पता चला था कि उसके पास क्या हो रहा है, फिर भी वो खामोश रही। उसके खुलासे के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शाहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री इमरान खान से इस्तीफा देकर कानून का सामना करने को कहा। शाहबाज शरीफ ने कहा कि लोगों से उनके अधिकारों को छीन लिया गया। इमरान खान नियाजी को इस बारे में बताना चाहिए। आखिर चुनाव आयोग की रिपोर्ट के सामने आने के बाद वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं। शरीफ ने यह भी कहा कि वो इस मुद्दे पर दूसरी राजनीतिक पार्टियों से भी सहयोग लेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जल्द ही तीसरे कार्यकाल के लिए नामित होने वाले हैं। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के एक महत्वपूर्ण सम्मेलन में 100 साल पुरानी पार्टी के ऐतिहासिक अनुभव के साथ उपलब्धियों पर एक प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। इस अवसर पर कम्युनिस्ट पार्टी का आधिकारिक इतिहास को नए ढंग से लिखा गया है। 531 पृष्ठों वाले इस किताब का एक चौथाई से अधिक हिस्सा सिर्फ 9 साल में हुए विकास को समर्पित है। पार्टी की जीवनी लिखने वाले इतिहासकारों ने भी जिनपिंग के रिटायरमेंट का कोई संकेत नहीं दिया है। दशकों में देश में हुए विकास का जश्न मनाने के लिए पूरे चीन में कई प्रदर्शनियों और संग्रहालयों को भी सजाया गया। हाल ही के दिनों में कोई भी चीनी नेता शी जिनपिंग की तरह चीन के इतिहास में वैसी जगह नहीं बना पाया। आज बीजिंग में शुरू होने वाली एक उच्च स्तरीय बैठक में पार्टी के 100 साल के इतिहास का आधिकारिक तौर पर पुनर्मूल्यांकन करने वाला एक संकल्प जारी किया जाएगा, जिसके बाद शी जिनपिंग को जो माचो तुंग और देंग शियाओपिंग के बाद चीन का एक युगांतरकारी नेता घोषित किया जा सकता है। यह बैठक 11 नवंबर तक चलेगी। 68 साल के शी जिनपिंग इस दशक में चीन के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं। उन्होंने देश में फैले भ्रष्टाचार और गरीबी के खिलाफ निर्णायक काम भी किया है। शरिया कानून से शासित संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे गैर मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी खबर है। यूएई के अबू धाबी में
गैर मुसलमानों को नए सिविल लॉ के मुताबिक शादी करने, तलाक देने और बच्चे की संयुक्त कस्टडी हासिल करने का अधिकार मिल जाएगा। यूएई के शासकों की ओर से जारी नए आदेश में इसकी अनुमति दी गई। गैर मुस्लिम परिवारों के विवादों का समाधान करने के लिए एक नई अदालत का गठन अबू धाबी में किया जाएगा। यह अदालत अंग्रेजी और अरबी में काम करेगी। इससे पिछले साल ही यूएई ने संघीय स्तर पर कई कानूनी बदलाव किए थे। इसमें शराब का सेवन, आपसी सहमति से यौन संबंध बनाने को अपराध की श्रेणी से हटाना और झूठी शान के नाम पर हत्या में नरमी बरतना शामिल है। विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे अवधि का गोल्डन वीजा और ये कानून यूएई की ओर से खुद को विदेशी निवेश, पर्यटन और लंबे समय तक रहने के लिए पसंदीदा ठिकाना बनाने हेतु एक बड़ा प्रयास है। माना जा रहा है कि अबू धाबी ने खाड़ी देशों में व्यवसायिक हब बन रहे अन्य क्षेत्रों पर प्रतिद्वंदिता में बढ़त हासिल करने के लिए यह नया आदेश जारी किया। अभी तक अबू धाबी में शादी और तलाक पर कानून अन्य खाड़ी देशों की तरह से इस्लामिक शरिया कानून पर आधारित थे। अमेरिका ने अपने 21 महीने लंबे कोविड प्रतिबंध को हटाकर ऐसे विदेशी यात्रियों को अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति दे दी है जिन्होंने कोरोना टीकाकरण पूरा कर लिया है। अमेरिका ने टीकाकरण में कोवैक्सीन को भी शामिल कर लिया है। अमेरिकी अधिकारियों को इस निर्णय का लंबे समय से इंतजार था। प्रतिबंधों की वजह से अमेरिका में रहने वाले कई भारतीय कोविड के चलते भारत में फंस गए थे। यह प्रतिबंध तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 2020 की शुरुआत में लगाया गया था जब महामारी शुरू हुई थी। बीते अक्टूबर को एक आदेश में व्हाइट हाउस ने कहा था कि आगामी 8 नवंबर से अमेरिका में प्रवेश करने की इजाजत होगी। पूरी तरह से टीका लगाए गए विदेशी आगंतुक 8 नवंबर से अमेरिका में प्रवेश कर सकेंगे। निर्णय के अनुसार केवल पूरी तरह से टीका लगवा चुके यात्रियों को ही अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति होगी। यात्रियों को उड़ान में चढ़ने से पहले नकारात्मक कोरोना वायरस परीक्षण का प्रमाण साथ रखना होगा। साथ ही यात्रियों को अपने टीकाकरण की स्थिति एयरलाइनों को दिखानी होगी जो नाम और जन्म तिथि से मेल खाती हो, ताकि यह पुष्टि हो सके कि कोई भी किसी और का टीकाकरण प्रमाण पत्र नहीं ले जा सकता। सरकार ने कहा कि मानवीय या आपातकालीन कारण होने पर वह उन देशों के यात्रियों पर विचार करेगी। अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे स्पेस एक्स रॉकेट का मिशन फिलहाल टल गया है। दरअसल फ्लोरिडा के तट पर चल रही तेज हवा के कारण स्पेस एक्स को अंतरिक्ष स्टेशन से अपने क्रू मेंबर के 4 सदस्यों के पृथ्वी पर वापसी के कार्यक्रम को टालना पड़ा। अमेरिका, फ्रांस और जापान के अंतरिक्ष यात्री पूरे 6 महीने बाद रविवार को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने वाले थे। इसी बीच कैप्सूल का टॉयलेट भी टूट गया है। ऐसे में धरती पर लौटते समय अंतरिक्ष यात्रियों को डायपर पहनना पड़ेगा। स्पेसएक्स का यह कैप्सूल अंतरिक्ष में 210 दिनों तक रह सकता है। इससे वह पहले ही 200 दिन बिता चुका है। याद रहे कि अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर डॉक हुए एक रूसी रॉकेट के इंजन के अनजाने में स्टार्ट होने से यह अपने निर्धारित कक्षा को छोड़कर बाहर चला गया था, जिसे काफी मेहनत के बाद वापस लाया गया था। इतना ही नहीं, रूसी फिल्म डायरेक्टर ने इस दौरान एक फिल्म की शूटिंग भी की। बता दें कि स्पेसएक्स दुनिया की अकेली ऐसी निजी कंपनी है जो कि नियमित तौर पर धरती पर रॉकेट के स्टेज वापस लौटाती है ताकि इनको फिर से लॉन्च किया जा सके। कंपनी ISS पर निर्धारित रूप से कार्गो भेजती रही है और अब वह एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्च कर रही है। मार्स की कंपनी स्टारशिप नाम से जो बड़े स्पेसक्राफ्ट भी विकसित कर रही है जिन्हें मंगल पर इंसानों की बस्तियां तैयार करने में इस्तेमाल किया जा सके। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे फिर होगी कल मुलाकात। तब तक लिए देखते रहिए VKBNews। नमस्कार।